और चलिए जो अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। कानपुर हिंसा से जुड़ी हुई जानकारी आपको देते हैं। कानपुर हिंसा के आरोपियों पर एक्शन लगातार जारी है। आज भी कानपुर विकास प्राधिकरण कुछ अवैध इमारतों पर सीलिंग की कार्रवाई कर सकता है। बिल्कुल, और मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी समेत सभी आरोपियों की पुलिस ने 5 दिन की रिमांड और मांगी है। पुलिस रिमांड पर लेकर इनसे पूछताछ करेगी। तो कई राज लगातार खुल रहे हैं, लेकिन अभी भी पुलिस को चाहिए 5 दिन की रिमांड और इसके लिए अब अर्जी लगाई जाएगी। कानपुर पुलिस ने हिंसा के आरोपियों पर सख्ती से कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपियों की 5 दिन की रिमांड और मांगी। तो कानपुर और प्रयागराज में कुछ दिनों पहले हुई हिंसा के बाद से माहौल गरमाया हुआ है और ऐसे हालात से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। किसी भी हालात से निपटने के लिए उरई पुलिस ने मॉक ड्रिल भी की ताकि हिंसा और बवाल को अगर होता है, बवाल की स्थिति होती है तो फिर दंगाइयों से कैसे निपटा जाए, उसकी तैयारी की गई। आप भी देखिए। ये तस्वीरें किसी दंगे की नहीं बल्कि दंगा नियंत्रण रिहर्सल की है। इसमें शामिल सभी लोग पुलिसकर्मी हैं जिन्हें अलग अलग थानों से बुलाया गया। पुलिस वालों को रिहर्सल कराई गई कि अगर दंगा होता है तो उससे कैसे निपटा जाए। मॉक ड्रिल में दिखाया गया कि कैसे कुछ लोग पहले सड़क पर प्रदर्शन करते हैं जो कुछ ही देर में हिंसक रूप ले लेता है और प्रदर्शनकारी पुलिस पर पथराव कर देते हैं, जिसके बाद भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस हल्का लाठीचार्ज भी करती है। पुलिस के एक्शन के बाद भी लोग पीछे हटने को तैयार नहीं होते। ऐसे में पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले दागे। आंसू गैस के गोले छोड़ने के बाद भी प्रदर्शनकारी को पीछे न हटता दे उस पर पानी की बौछार की जाती है। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी अड़े रहते हैं। ऐसे में उन पर एंटी राइट गन से फायर भी किए गए। इसके साथ ही दंगा के दौरान फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर कैसे निकाला जाएगा, इसकी भी पुलिस को रिहर्सल करवाई गई, जिसमें दिखाया गया कि ऐसे हालात बनने पर कैसे पुलिस वाले लोगों को कंधे पर उठाकर ले जाते हैं। अभ्यास के दौरान टीम को 2 हिस्सों में बांटा गया। एक टीम को पुलिस पर हमला करने की जिम्मेदारी दी गई और दूसरी टीम को बचाव की जिम्मेदारी दी गई ताकि ये जाना जा सके कि वो कितने सतर्क हैं। दंगा नियंत्रण अभ्यास पुलिस के जो है बेसिक पुलिसिंग का एक हिस्सा भी है और साथ ही साथ लोगों को ये प्रदर्शित भी करना है कि पुलिस हमारी हमेशा तत्पर है, तैयार है किसी भी परिस्थिति को सामना करने के लिए। और ये लोगों के प्रदर्शन के लिए भी है, साथ ही साथ हमारी RTC की ट्रेनिंग का हिस्सा भी है और दंगा नियंत्रण अभ्यास एक जो हमारी दंगा नियंत्रण योजना है, आंतरिक सुरक्षा योजना है, उसका भी हिस्सा है। पुलिसकर्मियों को बताया गया कि वे दंगे के दौरान आधी अधूरी तैयारियों के साथ मौके पर न जाएं और सुरक्षा के उपकरण साथ रखें। पुलिस जो है किसी भी परिस्थिति के लिए हमेशा रेगुलर ट्रेनिंग करती रहती है, प्रैक्टिस करती रहती है। जो हमारी पुलिस फोर्स है, जनपद की पुलिस फोर्स है, लगभग सभी व्यक्ति लॉ एंड ऑर्डर में किसी भी परिस्थितियों को संभालने के लिए और सुलझाने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहते हैं। 3 जून और 10 जून को जुमे की नमाज के बाद हिंसा हुई थी, जिसके बाद पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस वाले हमेशा चौकन्ना रहे और हर हालात से निपट सके, दंगा नियंत्रण रिहर्सल करवाई गई। जालौन से ABP गंगा के लिए संवाददाता प्रवीण द्विवेदी की रिपोर्ट। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।